सुनो, पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं महाराज, वोट खरीदे हैं महाराज। जी हाँ, ये एक सांसद का कबूलनामा है, वो भी कैमरे के सामने। अगर साफ साफ नहीं सुन पाए तो एक बार फिर सुन लीजिए। सुनो, पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं महाराज। सांसद जी खुलेआम बीच आवाम कह रहे हैं, सीना ठोक कर कह रहे हैं, वोट दिया नहीं वोटरों, हमने वोट खरीदा है। पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं महाराज। किसी का वोट बेचना और खरीदना तो कानूनन जुर्म है, फिर सांसद जी ये खुलेआम ऐलान कैसे कर सकते हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो तो ऐसे ही वायरल हो रहा है और तस्वीरों में दिख रहे हैं नेताजी कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक का वायरल वीडियो शेयर करते हुए यूपी कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा है, भाजपा के सांसद सत्ता के नशे में पूरी तरह से चूर हैं। कन्नौज इंदरगढ़ तिराहे के पास विवादित स्थल पर रानी अवंतीबाई की प्रतिमा को प्रशासन ने हटवा दिया, जिस पर लोधी समाज के लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित भीड़ को समझाने के लिए भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पहुंचे, पर नेताजी खुद लोधी समाज पर भड़क गए। भाजपा सांसद ने लोधी समाज को यहां तक कह दिया कि आपने हमें वोट नहीं दिया, मैंने तुम्हारा वोट खरीदा है। चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेंगे या फिर शायरी से ही काम चला लेंगे। बाकी सांसद जी अब पूर्व लगाने की तैयारी आप कर लीजिए। दरअसल दावों पर यकीन किया जाए तो कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के साथ आ बैल मुझे मार वाली हालत हो गई। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक जनता की नाराजगी दूर करने अपने क्षेत्र में पहुंचे थे। कन्नौज के इंदरगढ़ तिराहे के पास किसी प्रतिमा को लेकर विवाद था, जिस पर लोधी समाज के लोग गुस्से में थे। आक्रोशित भीड़ को समझाने के लिए भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पहुंचे, पर नेताजी खुद लोधी समाज पर भड़क गए। सांसद जी गुस्से में ऐसे बेकाबू हुए कि अपना आपा ही खो बैठे। वोटरों को कटघरे में खड़ा करते करते खुद पर ही सवालिया निशान लगा दिया। सीधे कह दिया कि लोधी समाज का वोट मिला नहीं है, खरीदा है। पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं महाराज। बता दें कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली कन्नौज सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक पर दांव खेला है। कन्नौज सीट पर 1998 से 2014 तक सपा का कब्जा रहा है। सुब्रत पाठक ने साल 2014 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनौती दी और हार गए, लेकिन साल 2019 में बाजी पलट गई और उन्होंने डिंपल यादव को हरा दिया। इस बार फिर से बीजेपी ने सुब्रत पाठक को यहां से टिकट दिया है। अब देखना यह है कि वायरल हो रहा सुब्रत पाठक का ये वीडियो उन्हें मुश्किल में डालता है या नहीं। जय श्री राम, जय मां भवानी। साथियों, साथियों, एक दल्ला ये बोल रहा है कि लोधी राजपूतों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैंने लोधी राजपूतों के वोटों को खरीदा है। तो मैं उससे बस इतना कहना चाहूंगा कि दल्ले, तेरी औकात है, तेरी इतनी औकात है कि तू लोधी राजपूतों के वोटों को खरीद सके? तेरी पुस्तें बिक जाएंगी लोधी राजपूतों को खरीदने में। बेटा, लोधी राजपूत वो है जिन्हें अंग्रेज नहीं खरीद पाए, मुगल नहीं खरीद पाए। तो तेरी औकात क्या है, आइडिया लगा, तेरी औकात कितनी है? मुगल साम्राज्य नहीं खरीद पाया, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार नहीं खरीद पाई लोधी राजपूतों को, तेरी औकात कितनी है? और सुन, वो तो तुझे मोदी के नाम पर वोट मिल गए। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये कन्नौज से चुनाव लड़ रहा है तो इसे इसकी औकात बता दो। सभी लोधी राजपूत एक होकर के इसके अगेंस्ट वोट करो और इसे घुटने पर ला दो और घुटने पर बैठकर ये माफी मांगे, तब भी इस हरामी को माफी ना मिले, क्योंकि इसने बहुत बड़ा लांछन हम लोधी राजपूतों को लगा दिया है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, हर लोधी राजपूत के साथ ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, कन्नौज का हर युवा जाग जाना चाहिए। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय मां अवंती।